कराई गई है एफआईआर। करनी सेना के लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई है दानिश नाम के फल विक्रेता पर लगे आरोप। नाक और मूत्र के हाथों से फल बेचता पकड़ा गया है और ऐसे में उससे अब यहाँ पर जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है पूछताछ की जाएगी करनी सेना के खिलाफ। यहाँ पर करनी सेना की तरफ से जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। तो ये बड़ी खबर आ रही है और दानिश नाम बताया जा रहा है तो अलीगढ़ से ये पूरा मामला है जहाँ पर फलों को अपवित्र कर बेचने का ये पूरा मामला सामने आया। बन्ना देवी थाना क्षेत्र में मुकदमा दर्ज किया गया है। करनी सेना के लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई है दानिश नाम के फल विक्रेता पर आरोप लगे हैं। नाक और मूत्र के हाथों से फल बेचता था और जिसका यहाँ पर वीडियो जो है जो मामला है वो सामने आया। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अब जांच पड़ताल की जा रही है। सहयोगी योगेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, लगातार उत्तर प्रदेश से कई ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है, कभी जूस में पेशाब मिलाना, कभी थूक कर रोटी परोसना और अब फल में इस तरह की चीजें जो है वो सामने आई है कि गंदे हाथों से फल को वो बेचता था। क्या कुछ ये पूरा मामला है और क्या कुछ कार्रवाई हुई है? देखिए, जब से जी ने इसमें शक्ति दिखाई है कि जो फ्रेश की मिलावट या किसी भी तरीके से अपविष्ट करके उसको फलों को बेचना, तब से अलीगढ़ में पहली एफआईआर दर्ज हुई है जिसमें करनी सेना के लोगों ने एक फल विक्रेता को, जो दानिश नाम का फल विक्रेता, उसको जो है नाक के हाथों से और मूत्र के हाथों से जो फल बेचते हुए पकड़ा, जिसके बाद उन्होंने उससे कबूल भी करवाया भाई तुमने इस तरह का करा। उसके बाद उसको बन्ना देवी थाने की पुलिस को दे दिया। बन्ना देवी थाने की पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर दिया और एफआईआर दर्ज करने के बाद अब वो मामले की जांच कर तो उसने आरोपी को हिरासत में दे दिया। जी योगेंद्र, क्या इसका वीडियो भी सामने आया है? क्या इससे पहले भी इस तरह की हरकत को देख चुके हैं लोग? देखिए, अलीगढ़ में इस तरह की हरकत वो तो पहले कई बार रही होगी, लेकिन जो 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 ये मुकदमा जो दर्ज हुआ वो पहली बार ही इस पर दर्ज हुआ है और बन्ना देवी थाने में ये मुकदमा दर्ज करा गया करनी सेना के द्वारा। इसमें भास्कर अग्रवाल था जिसने जो पर्चा दर्ज किया है जिसने उससे फल खरीदे थे, उसने देखा जो पेशाब करके आया, पेशाब करके आने के बाद उसने अपनी नाक भी साफ करी और उन्हीं हाथों से उसने फल बेचे। इसी को लेकर के जो वो फिर करनी सेना के लोगों को बुलाया उसने, फिर उसको वहां से पकड़ा, तब जाके ये पूरा पूरा मामला सब उस संज्ञान में आया। जी ठीक है योगेंद्र, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि ये इस पूरे मामले को सामने आने के बाद जो है मुकदमा दर्ज करवा लिया गया है और इस पूरे मामले को लेकर अब पुलिस की तरफ से जांच पड़ताल की जा रही है। हालांकि ये पहला ऐसा मामला है जो अलीगढ़ से सामने आया। अभी तक हम बोले थे कपड़े साथ पहुंच जाता तो हाथ कपड़े के पहुंचना अच्छा लगता है। क्या नाम है? हाथ धोने के लिए गवाह हूँ उस चीज का। जब मैं भी फल वहाँ लेने पहुँचा तो उसका हिसाब देखकर ऐसा लगा कि हाँ कुछ गड़बड़ है। जो उससे पहले सब्जी खरीद रहे, वो सॉरी फल खरीद रहे थे, उन लोगों ने जब देखा कि ये नोजी और वो सब टॉयलेट वगैरह लगा के हाथों में ये फल दे रहा है। कल भैया ने जैसा भी कहा कि कल हमारी माता बहनों का महापर्व है करवा चौथ का, ये उन सबको झूठे फल खिला के ये उनका धर्म भ्रष्ट करना चाहता है। अभी पिछले दिनों नवदुर्गे गुजरे हैं, अब इन लोगों ने नवदुर्गों में क्या हल किया होगा? इसको हमने रंगे हाथों पकड़ा है और इसके खिलाफ तहरीर हम थाना बना देवी में दे चुके हैं।